गलती से कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस बड़े उलटफेर और उत्तर प्रदेश की जीत पे बात करने के लिए विजय सोनकर शास्त्री, बहुत बड़े दलित चिंतक हैं। इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेके, दलितों के विकास को लेके, और अभी चुनाव में काफ़ी सक्रिय थे। हम इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे इस तरह का जो इतना बड़ा उलटफेर है आखिर क्यों, क्यों लोगों ने इतना भरोसा जताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, नरेंद्र मोदी के रोड शो में जो इस तरह के नतीजे आए हैं। शास्त्री जी बहुत बहुत स्वागत है। ये जो है जो इतनी बड़ी जीत आप देख रहे हैं, ये राष्ट्रवाद विकासवाद का एजेंडा है या कोई सामाजिक बदलाव आपको प्रतीत हो रहा है कि एक सामाजिक बदलाव की तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति मुड़ रही है? देखिए, ये जो चुनाव हुआ और जो रिजल्ट सामने आए हैं, इस रिजल्ट को मैं एक और दूसरे दृष्टि से भी देख रहा हूँ। खास तौर से हमारे देश में जो राजनीतिक एक परंपरा बनी थी, जाति पाति पंथ संप्रदाय, इससे लोग बाहर नहीं निकलते थे, क्षेत्रीयता में चले जाते थे, क्षेत्रीय विकास या कभी देवी देवता या कभी कोई फिल्मी पर्सनालिटी, ये सब सारी चीज़ों पर, ये सारी चीज़ों से अलग हट करके पहली बार हमारे देश में इसको देश स्तर पर भी सोचा जा सकता है कि एक राजनीतिक परिदृश्य का एक बड़ा परिवर्तन आया है। इसमें जाति पाति पंथ संप्रदाय क्षेत्रीयता ये सबसे अलग हट करके लोगों ने जो वोट कास्ट किया है वो एक नई परिदृश्य पर दिया है। जैसे उदाहरण के लिए लोगों ने महसूस किया कि हम भी सरकार से जुड़े हुए हैं। कैसे इसका रहा, अब एक गांव में कोई भी गांव, किसी ने एप्लीकेशन नहीं दिया था कि मेरे यहाँ एक गैस कनेक्शन आ जाए, लेकिन अचानक उस गांव में 10-20 लोगों के यहाँ गैस कनेक्शन पहुँचता है, कोई भी हो, चाहे जाति पंथ संप्रदाय सबसे अलग हट करके लोगों ने महसूस किया कि अरे मैं तो गरीब हूँ, मुझे तो ये ज़रूरत थी, ये बेगर पूछे मुझको सरकार भेजी है, और अगर मुझे भेजी है तो ये मेरे पड़ोसी को भी मिलेगा ही, आज नहीं तो कल, ये भरोसा पैदा हुआ है। यानी सरकार, अभी तक जो लोग बात करते थे गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबों को डिलीवरी इस प्रकार की करने की जो सरकार की एक स्वरूप सामने आया है, उससे लोगों को लगा कि राजनीति कुछ और है, हम लोग कहीं और फंसे हुए हैं, अब हमें इसको त्याग करके हमको उसी राजनीति को भरोसा पैदा करना है और उसी राजनीति को चलाना, आज नहीं तो कल। भारतीय जनता पार्टी जो ये तरीका अपनाई है, यही तरीका अगर किसी को भी इस देश में राजनीतिक रूप में सर्वाइव करना होगा तो उसको करना ही होगा। सर, अब तक ये माना जा रहा था कि अगर गरीबों के नेता की बात होती थी, मुलायम सिंह यादव, बहन मायावती, अब नए यंग जनरेशन में अखिलेश यादव, राहुल गांधी, क्या लगता है कि तमाम मिथ या मोह भंग जो हुआ है लोगों का आखिर क्यों हुआ? क्योंकि अभी आप सत्ता में नहीं थे, आपने कुछ किया नहीं उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन इस तरह का भरोसा क्या एक तरह का मोह भंग है, और मोह भंग हुआ तो क्यों हुआ? नहीं, देखिए, यही तो, अगर केंद्र की सरकार जिसका राज्य का विषय नहीं है, राज्य को हमेशा एक आइलैंड की तरह बना करके जिस तरह से रखा गया था, और ये भी आरोप लगाया जाता था कि राज्य का और केंद्र का संबंध ठीक नहीं होता है, केंद्रीय सरकार राज्य की सरकार को ध्यान नहीं देती है, पर ऐसे में भी एक राजनीतिक ऐसा भी परिदृश्य आया कि जिस राज्य में केंद्र की जो पार्टी की समर्थित सरकार है उस सरकार का कोई लेना देना नहीं, फिर भी उस प्रदेश में भी अगर इस प्रकार की डिलीवरी हो सकती है तो अगर उस प्रदेश में सरकार बनती है उस पार्टी की, तो जो आम जो सामान्य लोग हैं, जो जिनको की आवश्यकता है सरकारी सहयोग का, सरकारी संरक्षण का, उन सरकारी संरक्षण वाले लोगों को भी ये भरोसा हुआ कि नहीं, मोदी जी जिस तरह केंद्र में रह करके सारी चीज़ें कर रहे हैं वो स्टेट में भी कर सकते हैं। यह एक मॉडल तैयार हो रहा है इस देश के लिए। अगर किसी को शासन करना है, प्रदेश में अगर करना है तो प्रदेश में क्या किस तरह से करना है, केंद्र में अगर है तो केंद्र किस, अब ये परिदृश्य बदल गया है और अब इसी पर पूरा देश चलेगा, 10-20-50 साल तक चलेगा, और उसके बाद फिर हो सकता है कि कोई आवश्यकता और इस सारी चीज़ों के अनुसार कोई फिर परिवर्तन हो। दीनदयाल उपाध्याय जी का एक सपना था कि विराट हिंदू पोलराइजेशन या विराट हिंदू राज्य या विराट हिंदू संगठन उत्तर प्रदेश को बनाया जाए, उनका एक सपना था, आज उन्हीं का सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है। इसके पीछे आपको क्या लगता है कि दलित ओबीसी या नॉन यादव जो है उसका ये पोलराइजेशन है, या एक तरह से फिर वही जो सपना उन्होंने देखा था वो एक पोलराइजेशन है?
देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कभी विराट हिंदू इत्यादि ऐसे चीज़ों पर नहीं विश्वास किया, लेकिन उन्होंने जरूर ये महसूस किया था कि अंतिम व्यक्ति का उदय हो इस देश में, जो गरीब है जिसको राजाश्रय की ज़रूरत है उसको राजाश्रय मिले ही, और इसकी संख्या बहुत बड़ी है। तो उन्होंने वह कल्पना किया था, यानी अंत्योदय का, अंतिम व्यक्ति के उदय का। हमारी सरकार ने उनके उसी परिकल्पना को साकार करने का काम किया है। अब अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे हो सकता है, तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है, आवश्यकता चीज़ है, वो उसको उपलब्ध हो, उसको शिक्षा उपलब्ध हो, उसको सुरक्षा उपलब्ध हो, उसको चिकित्सा उपलब्ध हो, उसको रोजगार मिले ताकि वो आत्मनिर्भर हो करके समाज में सिर ऊंचा करके चल सके। तो हमारी सरकार उसी और वैसी ही योजनाओं के साथ चल रही है। केंद्र की सरकार ने लगभग अभी तक जो प्रमुख 80-85 योजनाएं बनाई हैं, वो सारी योजनाएं आश्चर्य करेंगे कि सबसे पहले आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के, आर्थिक रूप से दबे हुए लोगों के, उनके दरवाजे से होकर के गुजरती है। ये जाति पाति पंथ संप्रदाय की बात नहीं है, मतलब केवल आर्थिक रूप से कमज़ोर। अगर कुछ लोग इस पर कह सकते तो ये तो साम्यवादी विचारधारा हो सकती है, कम्युनिस्ट विचारधारा होती है, पर नहीं, ये यहाँ पर हम जो कर रहे हैं, कम्युनिस्ट का जो विचारधारा है वो सर्वहारा वर्ग को मजबूत करके अभिजाति वर्ग के साथ युद्ध कराने की है, पर हम युद्ध नहीं चाहते। हम चाहते हैं अगर एक अभिजाति वर्ग अच्छे ढंग से जी रहा है तो जो एक अंतिम व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति, आर्थिक रूप से पिछड़ा, उसका क्या दोष है, उसको तो ईश्वर ने उस समाज में, उस परिवार में पैदा किया, तो उसका भी संरक्षण होना चाहिए। लेकिन जो मान लीजिए भाग्यशाली हैं उनके साथ उसका युद्ध द्वंद्व भी नहीं होनी चाहिए। तो ये इस फिलॉसफी पर हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह फिलॉसफी अंत्योदय और ये सारी चीज़ों को मिला करके उसको परोक्ष रूप देने का जो कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो भाव को ले जा करके कार्यकर्ताओं में, अंतिम कार्यकर्ताओं में डाला है, जिसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हम पर भरोसा किया, देश की जनता ने हम पर भरोसा किया। मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य फैक्टर यही है। सर एक चीज़ और, एक बहुत बड़े राजनीतिक चिंतक से सुबह बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि एक सबसे बड़ा कारण जो है कि ये जो मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी की जो राजनीति कर रहे थे और बहन मायावती बीएसपी के, ये लोग कभी पावर शेयर नहीं किया बाकी लोगों से, पावर को एक जगह सेंट्रलाइज रखा। लोग इससे भी नाराज़ थे क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों को चाहिए कि आप हमारी वोट तो ले लेते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों का वोट लिया बीएसपी ने सत्ता माने के लिए, लेकिन ब्राह्मणों को कभी पावर नहीं दिया। तो एक जो कम्युनिटी में फीलिंग आई कि ये लेके अपने पास रखते हैं, हमें कुछ मिलता नहीं है, और ये बीजेपी जो इस बार आपने एक चेहरा प्रस्तुत किया नरेंद्र भाई का प्रधानमंत्री के तौर पर, उन्होंने एक टच किया कि नहीं मेरे पास क्या है, मैं तो फकीर हूँ, मैं तो प्रधान सेवक हूँ, ये तो सब तुम्हारा है, ये लोगों को टच किया। नहीं देखिए, पावर शेयरिंग ये अलग बात है। अगर वो एक परिवार ही पूरा पार्टी के स्वरूप में खड़ी हो गई है और उसके परिवार के ही एक ही ब्लड रिलेटिव 10 पदों पर हैं, तो न्यायत ही ये मैसेज तो जाएगा कि एक परिवार के हाथ में, फिर वो राजनीतिक दल का जो मानक है उसको भी पूरा नहीं करता। देखिए राजनीतिक दल का मानक है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम हो वहाँ पर, वहाँ पर सबका एक ग्रुप हो और वो ग्रुप मिल करके सामूहिक जिम्मेदारी के साथ सबका काम, या तो एक परिवार की जिम्मेदारी, एक परिवार का साथ, ऐसा करके था। देखिए एक नेता और उसका बेटा भी राजनीति में आने का हकदार है, पर उसको जनता के बीच से आने का हक है। ऐसा नहीं कि नेता ने उसको पहले पद दे दिया इसके बाद वो जनता में जा रहा। हमारी पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे, जिनके अगली पीढ़ी जो राजनीति में उसका इंटरेस्ट था, तो वो लोग उस रास्ते से आए हैं। आप एक एक का मैं नाम बता सकता हूँ कि किस तरह से राजनीति के माहौल में एक परिवार के लोग होता क्या है कि अगर परिवार में कोई जनप्रतिनिधि हो जाता है तो पूरा परिवार उससे प्रभावित होता है।
मैं तो लोकसभा का सदस्य रहा हूँ, बच्चों को कितना समय दे पाता हूँ, भाई को कितना समय, मेरे दिल की एक जो वो इच्छा थी कि मैं अपनी माँ को तीर्थ यात्रा कराऊंगा, मैं नहीं करा पाया था, इस तरह की व्यस्तता थी। ऐसे में बहुत कुछ मिस करते हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो अपना रास्ता खुद ही ढूंढते हैं, वो खुद ही उसी वातावरण में रहते हैं और देखते हैं कि हम कितने नज़दीक हैं सत्ता से, राजनीतिक वातावरण से, तो उनका इंटरेस्ट होता है तो वो आ जाते हैं। लेकिन उन्हीं में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो राजनीति को इतना दूर से करना चाहते हैं कि राजनीतिक परिवार के हो करके भी राजनीति को कोसों दूर उनको सलाम करते हैं। तो है, लेकिन ये जो शेयर सिस्टम है कि पावर का, तो ये हठधर्मिता थी। मुलायम सिंह जैसे थे, उन्होंने अपने बच्चों को और नाती पोतों को भी दिया, ये उनकी हठधर्मिता थी, इसको अच्छा स्टेप नहीं कहा जाता। जैसे मायावती हैं, मायावती जो हैं वो सारी चीज़ें अपने तक रखती हैं। वो मुलायम सिंह और मायावती में इतना अंतर है कि मुलायम सिंह ने अपने परिवार को बांट दिया, पर मायावती किसको बांटती, इनके पास तो परिवार ही नहीं था, तो इन्होंने सब पावर अपने पास रखा। यानी ऐसे राजनीति होते हैं। चाणक्य ने कहा है राजनीति के बारे में कि राजनीति का अर्थ ही होता है मिनिमम अर्थ, जो संक्षिप्त अर्थ होता है समूह का चिंतन। तो समूह का चिंतन करने के लिए समूह में अपने प्रतिनिधि भेजने पड़ेंगे, और प्रतिनिधि जब जाएगा तो वो पावरफुल रहेगा, यानी एक तरह से जो पावर है वो प्रतिनिधि के रूप में जनता में जाएगा, तो वहाँ का रिप्रेजेंटेशन करेगा। पर मायावती एक व्यक्तिगत रूप से करती रह गई और वो परिवार के रूप से करते रह गए। आज उसी की परिणति है कि इस तरह के जो चुनाव परिणाम और नतीजे। बिल्कुल, देखिए केंद्र से कांग्रेस खत्म हो गई, और केंद्र में ही यही दोनों पार्टियां कांग्रेस को खड़ी कर रखी थी यूपीए के रूप में, बसपा और सपा। तो बसपा तो कांग्रेस के साथ ही साफ हो गई थी, पर जो बची हुई थी सपा वो भी इसमें साफ हो गई है। थैंक यू सर इस बातचीत के लिए और इस ज्ञान के लिए, राजनीतिक ज्ञान।